नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के बाद शुक्रवार को मस्जिदों में नहीं हुई जुमा की सामूहिक नमाज। कोरोना वायरस से बचाव के लिए उलेमाओं ने लोगों से घर में रहने की अपील। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर डॉक्टरों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की कही बात। संक्रमण रोकने के लिए स्वच्छ रहने की अपील। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने की गणगौर पूजन। कोरोना से निजात दिलाने की भगवान से की कामना। पशु चारा नहीं मिलने से पशुपालक हुए परेशान। लॉकडाउन के कारण आवागमन बाधित। और लॉकडाउन के पांचवें दिन सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। सिटी डीएसपी ने सब्जी विक्रेताओं के बीच बांटे मास्क। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार ने 14 अप्रैल तक देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के पहले शुक्रवार को जुमा की सामूहिक नमाज मस्जिदों में अदा नहीं की गई। भागलपुर में 100 से अधिक मस्जिदों में जुमा की सामूहिक नमाज नहीं हुई। दरअसल पिछले दिनों जिलाधिकारी प्रणब कुमार, SSP आशीष भारती और सदर SDO आशीष नारायण ने विभिन्न खानकाहों, मस्जिदों से जुड़े लोगों से सामूहिक नमाज पर रोक लगाने की अपील की थी, जिसके बाद जिम्मेदार लोगों ने प्रशासन की बातों को गंभीरता से लिया और मस्जिदों में सामूहिक नमाज पर रोक लगा दी। शुक्रवार को जिले भर के मस्जिदों और खानकाहों में जहां नमाजियों के प्रवेश पर रोक लगी रही, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा जारी नोटिस भी मस्जिदों के द्वार पर चिपकाया गया और मस्जिदों से बार बार सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की गई। लॉकडाउन के पहले जुमा पर शहर की मस्जिदों और खानकाहों का जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। देश भर में लॉकडाउन के बाद आज पहला शुक्रवार पड़ा है, यानी कि पहला जुमा है और इस वक्त हम मौजूद है भागलपुर के तातारपुर चौक पर। इस चौक पर प्रति एक शुक्रवार को हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते थे, सफ़े बिछाकर नमाज पढ़ते थे, लेकिन जो जिला प्रशासन है, प्रशासन के द्वारा यह अपील की गई, मस्जिद कमेटियों के साथ यह बैठक की गई, जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बैठक की और लोगों से सामूहिक नमाज पर रोक लगाने की अपील की। धार्मिक गुरुओं ने, अल्पसंख्यक समाज के धार्मिक गुरुओं ने जिला प्रशासन के फैसले का स्वागत किया और आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर है तातारपुर मस्जिद की, जहाँ अभी एक भी लोग सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। हालांकि जो खानका है, खानका आलिया शहबाजिया फजलपुर का खानका फिर डमरिया, उसके द्वारा भी अपील की गई कि आप जुमे की नमाज के बदले, जुमे की नमाज के बदले में आप जोहर की नमाज अपने अपने घरों पर पढ़ें और लोग इसका अनुपालन कर रहे हैं। लॉकडाउन के बाद पूरे देश के धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। हमने आपको इसके पूर्व भागलपुर के तातारपुर चौक की तस्वीर दिखाई। अब हम पहुंच चुके हैं मौलाना चक स्थित खानका आलिया शहबाजिया के मुख्य द्वार के बाहर। आप देख सकते हैं कि यहाँ ताला लगा दिया गया है, खानका शहबाजिया को बंद कर दिया गया है। भारत सरकार के आदेशानुसार और जिला प्रशासन के निर्देश पर खानका शहबाजिया के प्रबंधक ने यह फैसला लिया है और आप देख सकते हैं कि ये सूचना लगी हुई, सूचना पट लगा गया जिसमें लिखा हुआ है भारत सरकार एवं जिला प्रशासन के आदेशानुसार 14 अप्रैल तक आस्थाना सहवाजिया और मस्जिद को बंद किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धार्मिक गुरुओं ने इसका फैसला किया। हालांकि इसके पूर्व जो यहां पर दुकानें होती थी वो खुली रहती थी और कई तरह से की सामानें यहां पर बिकती थी, जो खानका से जुड़े जो लोग हैं, आस्था के साथ जो लोग आते थे वह सामान यहाँ पर बिकती थी, जैसे चादर, अगरबत्ती या मोमबत्ती वगैरह सामान बिकती थी। लेकिन इसके साथ ही जो आस्थाना सहवाजिया है, लॉकडाउन को देखते हुए आस्थाना सहवाजिया को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। लॉकडाउन को लेकर शहर की मस्जिदों और खानकाहों की क्या तस्वीर है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं भागलपुर के शाह मार्केट में। आप देख सकते हैं यह शाह मार्केट का इलाका है और यहाँ शाह मार्केट खलीफा बाग का बैनर लगा हुआ है और इसके अंदर यह मुख्य द्वार है इस मस्जिद के अंदर जाने का, शाह मार्केट की शाही मस्जिद के अंदर जाने का, लेकिन मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही शाह मार्केट की कई मुख्य द्वार हैं, कई रास्ते हैं, सारे रास्ते में ताला लटका दिया गया है और सरकार के फैसले का धार्मिक गुरु जो है तो पालन कर रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। कोरोना वायरस को लेकर भागलपुर के वरीय फिजिशियन डॉक्टर DP सिंह ने कहा कि फिलहाल नोवल कोरोना से बचाव के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अति आवश्यक है।
जिस भी मरीज को, मैं अपील करता हूं कि जिस भी मरीज को बुखार है, खांसी है, सर्दी है, बहुत सारे फोन कॉल्स आते रहते हैं हमें कि सर जो है हमें खांसी सर्दी हो गया, तो उसमें जो है फिर से यही कहेंगे कि मास्क का, गमछे का प्रयोग करते हुए, अगर कोई एंटीबायोटिक लेना है तो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का हम लोग करते हैं, रिकमेंड करते हैं, और अन्य जो है बातें करने, बुखार अगर है तो पैरासिटामोल का प्रयोग कर सकते हैं, और उसके बाद भी लेकिन अभी जो प्रोटोकॉल आया है कि खांसी के साथ, सर्दी के साथ अगर आपका दम भी फूलता है, निश्चित रूप से, चूंकि इस एरिया में भागलपुर ही कोरोना सेंटर है, यहाँ पर जांच होती है, यहाँ पर हमारे बहुत ही एक जो है एक नोडल सिस्टम बनाया गया है जहाँ पर हम लोग जांच करके बाहर से जांच करवाते हैं और संक्रमण का जो है डायग्नोसिस करते हैं, इसका उपयोग करें। लेकिन बचाव सबसे जरूरी है, और बचाव के लिए जो तीन बातें कर रहे हैं कि जो भी खांसी के शिकार हैं अपने को क्वारंटाइन कर लें, क्योंकि क्वारंटाइन भी एक तरह का लॉकडाउन ही है, घर में जिसको भी खांसी सर्दी दूसरे को ना पहुंचे तो दूसरे से भी क्वारंटाइन करते हैं, 14 दिन का क्वारंटाइन करते हैं कि जो संक्रमित व्यक्ति है वह अपने को आइसोलेट कर लें, दूसरे से अलग कर लें, अलग कमरे में रहे ताकि आपका संक्रमण दूसरे तक ना पहुंचे। वहीं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इमराना रहमान ने कहा कि लॉकडाउन का अनुपालन सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। साथ ही डॉक्टर इमराना ने कहा कि यह एक लाइलाज महामारी है जो संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से तेजी से फैलती है। ऐसे तो इंडिया तीसरी चरण में ऑलरेडी पहुंच गया है, जो कम्युनिटी स्प्रेड होता है आप सब जान रहे हैं और सब लोगों को ये ज्ञात भी है, मैं सोशल मीडिया और इतने सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं चैनल्स पे, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा इस बात की नज़र रख रहे हैं कि वो कि ऐसे लोगों के कांटेक्ट में तो नहीं, जैसे उनके हस्बैंड कहीं, जैसे बिहार में ज़्यादातर वर्कर हैं जो बड़े शहरों में, जो ज़्यादा जहाँ पे संख्या है संक्रमित लोगों की ज़्यादा ग्रस्त हैं वहाँ पे, तो ऐसे लोगों की जो संख्या वहाँ बहुत है तो उनके कांटेक्ट में तो नहीं, या कोई बाहर से ट्रैवल करके आ रहा है, वो कुछ पिछले बीते 3 हफ्तों की अवधि के अंदर के लोग, उसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अवॉइड करने का, और उनको ख़ुद हम लोग एडुकेट कर रहे हैं, और ये भी पेशेंट्स को कह रहे हैं कि आप अपने मोहल्ले में जहाँ भी आप रह रहे हैं, अगर आपके मोहल्ले से कोई दिल्ली से या साउथ से या फिर बॉम्बे से, गुजरात से, पंजाब से, जहाँ भी जहाँ पे भी हमारे इन्फेक्शन रेट्स ज़्यादा हैं वहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है, तो उनको आप बिल्कुल लॉक ही कर दीजिए, आइसोलेट कीजिए उनको, क्योंकि वो फिर पूरी हमारे बिहार के जहाँ पे अभी उतनी पकड़ नहीं हुई है इस बीमारी की, ज्ञात नहीं हुआ हमें, क्योंकि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर है हमारे स्टेट की, और हमारी उतनी ऑप्टिमम फैसिलिटीज़ भी नहीं है, टेस्ट किट्स भी बहुत कॉस्टली हैं, अराउंड 4,500, वो भी इतना इनएडिक्वेट है कि सिर्फ अभी तक हम लोग 20,000 लोगों को टेस्ट कर पाए ऑल ओवर इंडिया, और जब हमें उसमें भी 400 लोग पॉजिटिव आ गए। पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए चैत्र माह के शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को राजस्थानी समाज की महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर पूजन शुक्रवार को सार्वजनिक स्थल की जगह सुहागिन महिलाओं ने घरों में ही मनाया। आमतौर पर सामूहिक रूप से मिलकर मारवाड़ी समाज की सुहागिन महिलाएं यह पूजन करती है, जिसमें भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा की जाती है। लेकिन इस वर्ष देश के साथ पूरी दुनिया में फैल चुके कोरोना वायरस के कारण पूरे देश को लॉकडाउन करने की घोषणा करने के बाद महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए घरों में ही पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। भागलपुर के चुनिहारी टोला, मारवाड़ी टोला, नया बाजार समेत विभिन्न मोहल्ले में मारवाड़ी समाज की महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर गणगौर पूजा की। व्रती महिला अनुराधा खेतान ने कहा कि लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए घर में ही गणगौर पूजा किया गया, जिसमें पति के दीर्घायु होने और घर की समृद्धि की कामना के साथ कोरोना जैसे महामारी से देश को छुटकारा दिलाने की कामना की गई। वहीं प्रीति जोशी ने कहा कि 16 दिनों तक चलने वाली गणगौर पूजा का समापन शुक्रवार को गणगौर के विसर्जन के साथ हुआ, जबकि इसकी शुरुआत होली के दिन की जाती है। आज हमारे यहाँ जो गणगौर की पूजा पूरे मारवाड़ी समाज में की जाती है, इस पूजा को हम शिव पार्वती की पूजा कहते हैं, ये हमारी शिव पार्वती की पूजा होती है। हर बार हम इसे काफ़ी संख्या में अड़ोस पड़ोस की औरतों के साथ पूरे ग्रुप के साथ पूजा करते हैं, पर इस बार कोरोना की वजह से हमने भीड़ जमा नहीं की है, ना किसी को आने दिया है, ना कहीं बाहर गए हैं, और घर के ही जो लोग हैं वही लोग हम लोग सब पूजा एक साथ किए हैं। गणगौर हमारी बहुत पुरानी प्रथा है,
और राजस्थान का ये कल्चर है हमारी, ये हर सुहागिनों के लिए ये पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ईश्वर पार्वती की ये पूजा जो शिव पार्वती के रूप में की जाती है, इसे हमने सामूहिक रूप में ना मनाकर सिर्फ घर वालों के साथ मनाई है। और भगवान शिव पार्वती से ये प्रार्थना भी की है कि कोरोना से हमें जल्द ही छुटकारा मिल जाए। मारवाड़ी समाज और राजस्थान का महान पर्व गणगौर है, जिसका आज आखिरी दिन है। ये 16 दिनों तक मनाया जाता है। इसमें हम सभी सुहागने एक साथ मिलकर इस पर्व को बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं और इसमें शिव पार्वती की आराधना की जाती है। कोरोना वायरस के कारण देश भर को लॉकडाउन किए जाने के बाद जहां आम लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पशु चारा की कमी एवं आवागमन में हो रही असुविधा पशुपालकों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार को पूरे देश को लॉकडाउन करने की घोषणा के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिससे लोगों की खाद्य सामग्री एवं सब्जी मंडी में भारी भीड़ उमड़ पड़ी और दुकानदारों ने भी लोगों से कीमत से अधिक पैसे लेकर सामान बेचा। कालाबाजारी की सूचना जिलाधिकारी प्रणव कुमार को मिलने पर डीएम ने थोक व्यवसायियों एवं रिटेलर दुकानदारों के साथ बैठक कर उचित कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जिस प्रकार खाद्य सामग्री समेत तमाम आवश्यक सामग्रियों को उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन ने पहल की, उसी प्रकार पशु चारा लाने में होने वाली परेशानियों एवं उपलब्धता की बाधा को दूर करने की अपील जिले के तमाम पशुपालक करते दिखे। पशु चारा से जुड़ी समस्या का जायजा लिया हमारे संवाददाता रविशंकर सिन्हा ने। लॉकडाउन को लेकर लोगों का घर से बाहर निकलना बिल्कुल मना प्रतिबंधित किया गया है जैसे, लेकिन जैसे कि लोग को जीने के लिए दो रोटी की ज़रूरत है, वैसे पशु को भी चारा जरूरी है और इसके लिए लोगों को परेशानी हो रही है। और कई जगह ऐसी भी बात आ रही है कि उपलब्धता की भी कमी जताई जा रही है, बताई जा रही है कि काफ़ी परेशानी हो रही है। तो हम यहाँ कुछ पशुपालक हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ समस्या है चारा को लेकर के। हाँ जी, क्या समस्या है चारा को लेकर के? समस्या चारा यहाँ पहले बाहर से आती थी, भूसा वाला लोग बेचने आता था, वो लोग आ नहीं रहा, जिसके कारण हम लोग का जानवर भूखे कगार पर है। हम लोग कहीं कहीं से खोज के लाते हैं, वो भी लाने जाते हैं तो पुलिस द्वारा, पुलिस देखते हैं तो भागने लगते हैं, पुलिस रोक लेती है, कहाँ जा रहे हो। कि अभी समय इतना ख़राब चल गया है कि कल कुछ गए थे हम लोग चारा खोजने के लिए जानवर का, पुलिस जो है दो चार बेत लगा दी, अब बोली घर में जाओ। इस तरह प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, हमारे जिलाधिकारी को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम मवेशी के लिए कुछ व्यवस्था करे। नहीं होती है जानवर का खाना पुराने में, दो का चार दाम लगता है फिर भी पूरा पूरा नहीं हो पा रहा है। सरकार से अनुरोध है कि कृपया थोड़ा हम लोग पे भी ध्यान दें। चारा नहीं आ रहा, गाय माल खाने के लिए थोड़ा पड़ रही है, हम लोग परेशान हैं, जाते हैं तो कहीं कुट्टी दाना मिलता नहीं है, और कहीं मिलता भी है तो जो 2 रुपया मिलता था किलो कुट्टी, वो अभी 10 रुपया किलो है। चारा एकदम नहीं मिल रहा है, जहाँ भी कुट्टी मिलता था वहाँ लड़वा नहीं आ रहा है, लड़वा बाहर से ट्रक पर आने नहीं देता है, और जो कहीं से मंगाने का कोशिश करते हैं तो किसी भी ठेला वाले को या भूसा वाले को शहर में घुसने नहीं देता है। एक चुटकी भूसा नहीं है, गाय को क्या खिलाएंगे, इसका कोई अथि नहीं है। बात भी की थी यहाँ पर पशुपालन पदाधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी ने इसको लेकर निर्देश दिया है कि जहाँ पर भी चारा के गाड़ी को अगर रोका गया है लॉकडाउन के कारण, तो उसको मुक्त कराया जाएगा और उस समय से चारा आएगा शहर में। और इसके साथ ही पुलिस को भी यह निर्देश दिया गया है कि किसी तरह की समस्या पशुपालक को या चारा आपूर्ति में नहीं हो, इसका ख्याल रखा जाए और उन्हें इतनी छूट दी जाए। हालांकि इसके बावजूद यह भी कहा गया है कि लोग एक या दो लोग इसमें निकलें और इसे भीड़ ना लगाएं, क्योंकि भीड़ लगाना ही इस कोरोना वायरस के लिए एक बड़ा वरदान साबित होता है और इस समस्या से बचना आवश्यक है। कैमरा पर्सन सलमान अनवर के साथ रविशंकर सिन्हा, सिल्क टीवी, भागलपुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आपसे अपील करती है कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार हाथ धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह से बचें। खांसते या छींकते समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और वो यूज किया हुआ टिश्यू पेपर तुरंत ढक्कन डाल कचरे के डब्बे में फेंक दें। कहीं भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं। किसी को खांसी सर्दी
या सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो उससे एक मीटर की दूरी बनाए रखें। अपने गंदे हाथ आंख नाक मुंह में ना सटाएं। आपको ये छोटी छोटी सावधानी आपको बहुत काम आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय महिला जागरण समिति के अध्यक्ष अनुराधा खेतान, आप सभी से हाथ जोड़कर मेरी ये अपील है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो समस्या हमारे अभी देश पर आ गई है उससे बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब चीज़ से परहेज करना है। घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, मास्क लगाकर हमेशा रखना है। कोशिश करिए कि हम घर में भी आपस में बात करें तो मास्क लगाकर बात करें, और मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया है उसमें उनका पूरा सहयोग हमें करना है और हमें घर से बिल्कुल नहीं निकलना है। ऐसी परिस्थिति में बचने के लिए हमें हर परहेज को करना ही, हमारे जीवन को बचाना है। बड़े शहरों की तर्ज पर विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा नाथनगर के दरियापुर सजौर में पहली बार। संत पॉल्स अकादमी CBSE कुरिकुलम नर्सरी से क्लास 8 तक की पढ़ाई। कैंपस कवर्ड बाय CCTV, स्मार्ट क्लासरूम्स फॉर ई लर्निंग, फुली इक्विप्ड इन्फर्मरी, कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस संत पॉल्स अकादमी, दरियापुर सजौर नाथनगर भागलपुर। एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7280082712। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन का उल्लंघन करना इन दिनों लोगों को काफी महंगा पड़ रहा है। जगह जगह पुलिस बेवजह घर से निकलने वालों की क्लास लगा रही है। इधर भागलपुर में शुक्रवार को लॉकडाउन का व्यापक असर दिखा। लोग अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकले। रोजमर्रा की जरूरत एवं दवाई लेने के लिए भी काफी कम संख्या में लोग घरों से बाहर निकले। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से पूरे शहर में बैरिकेटिंग कर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। SSP आशीष भारती के निर्देश पर पुलिस अधिकारी और जवान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात करते दिखे। लॉकडाउन के पांचवें दिन भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर सन्नाटा पसरा रहा, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। लॉकडाउन के पांचवें दिन भागलपुर के सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के कोतवाली चौक पर और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग सड़क पर नहीं निकले हैं और पूरी सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग अपने अपने घरों में ही हैं और सरकारी एडवाइजरी जो जारी की गई है उसका पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्ती से पालन कराया जा रहा है। कोतवाली थाना की यह कोतवाली चौक के समीप की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। चौक के ही कुछ दूरी पर कोतवाली थाना आपको नजर आएगा। यहाँ पर जो सन्नाटा पसरा हुआ है, अमूमन जो लोगों की भीड़ यहाँ पर रहती थी, कई रास्ते यहाँ पर से स्टेशन की ओर जाता है, ततारपुर की तरफ यह रास्ता जाता है और सराय की ओर भी यहाँ पर से रास्ता जाता है, लेकिन लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया है। और पिछले 3 दिनों की जो तस्वीर थी, कुछ लोग बेवजह सड़क पर निकल रहे थे, लेकिन जब पुलिस हरकत में आई, पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई, लॉकडाउन का भागलपुर में व्यापक असर दिख रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के लोहिया पुल पर। आप देख सकते हैं लोहिया पुल पर एक भी वाहन नहीं चल रहे हैं, पूरा लोहिया पुल चारों ओर से खाली है। और जो अमूमन यहां पर जो भीड़ होती थी, काफ़ी गाड़ियों की कतार होती थी, वाहनों की लंबी भीड़ होती थी, लेकिन लोहिया पुल का यह नज़ारा है। आप देख सकते हैं कि कोई भी लोग यहां पर नहीं है और पूरा लोहिया पुल एक तरीके से खाली है। लॉकडाउन का लोग भागलपुर में काफ़ी व्यापक असर दिख रहा है। और इसके साथ ही हम आपको यहाँ से यह भी तस्वीर दिखाएंगे, जो मार्केट है, यहाँ का जो बाज़ार है, सब्जी मंडी जिसे कहा जाता है भागलपुर का, आपको सब्जी मंडी की हम तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से सब्जी मंडी में दुकानदार तो हैं लेकिन जो हज़ारों की संख्या में ग्राहकों की भीड़ होती थी वह भीड़ नहीं है। सामान को लेकर के सब्जी, आलू, प्याज और जो भी सब्जियां हैं उसको लेकर के दुकानदार बैठे हुए हैं लेकिन खरीदार नहीं है। तो कहीं ना कहीं भागलपुर में प्रशासन की यह चुस्ती है, जिला प्रशासन की यह सक्रियता है कि जिसके कारण लोग अनावश्यक सामानों की खरीदारी नहीं कर रहे हैं। आपको लॉकडाउन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिल्क TV आप सभी लोगों से अपील करती है कि आपको लॉकडाउन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हर ज़रूरत की सामान का जिला प्रशासन ने ख्याल रखा है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क TV, भागलपुर। कोरोना वायरस को लेकर पूरा विश्व दहशत में है।
इससे बचाव और सुरक्षा के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जारी किया गया है। इसी को लेकर भागलपुर के सिटी डीएसपी राजवंश सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता संजय अग्रवाल, नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद एवं ललमटिया थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने शुक्रवार को नाथनगर सीटीएस रोड स्थित सब्जी विक्रेताओं के बीच मास्क का वितरण किया। वहीं डीएसपी ने बताया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सब्जी विक्रेताओं के बीच मास्क का वितरण किया गया और सभी से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की गई। ये हुआ ये है कि जो हम लोगों ने महसूस किया, प्रत्येक दिन मैं घूमता हूँ, हमारे साथ जो संबंधित थाना है उनके इंस्पेक्टर भी रहते हैं, वो ये रहा है कि सब्जी अनिवार्य सेवा है, बेचा जा रहा है, लेकिन जो सब्जी वाले हैं गरीब लोग हैं, कुछ जागरूकता के अभाव में और कुछ लापरवाही में मास्क नहीं पहनते हैं। तो कुछ सब्जी वालों ने अनुरोध किया कि सर हम लोग भी पहनेंगे, जो लोग आप पहने हुए हैं। तो सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं नाथनगर के, ये बुधिया जी हैं और अग्रवाल साहब हैं संजय जी, इन लोगों के सहयोग से हम लोगों इनको वितरित कर रहे हैं मुफ्त में और बताया भी जा रहा है कि कैसे दूरी बना के रखनी है। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग कर रहे हैं आवश्यकता के हिसाब से। सर भागलपुर में सर कैसा कोरोना पे रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन सजग है? सर आप खुद ही देख रहे हैं, जैसे आज शुक्रवार था और भागलपुर में पहली बार था कि खुद जन सहयोग से जो उलेमा हैं, जो धार्मिक नेता हैं, उन लोगों ने आज मस्जिद में ताला लगवा दिया और उलेमा लोगों का आदेश था कि जो नमाज है वो घरों में पढ़ी जाएगी। इसी तरह से रामनवमी में भी सहयोग लोग कर रहे हैं और किसी भी हाल में जन सहयोग से कोई भी जुलूस या कोई सोशल गैदरिंग है वो नहीं होने जा रही है। पूर्णतः बिहार सरकार का जो निर्देश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं और भागलपुर में ये 100% जन सहयोग से सफल। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के निष्पम्बे पंचायत मनोहरपुर स्थित कन्या उच्च विद्यालय में गुरुवार की रात अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरों ने क्लासरूम का ताला तोड़कर स्कूल के मिड डे मील का बर्तन और क्लासरूम से सारी कुर्सी उड़ा ले गया। मामले को लेकर प्रधानाध्यापक अजीत प्रसाद ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने के बाद वह स्कूल पहुंचे तो सभी क्लासरूम का ताला टूटा पाया। इसके बाद प्रधानाध्यापक ने थाना में लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। वहीं मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रात में हमें जो ग्रामीण से पता चला, रात में विद्यालय भवन का 10 कमरे का ताला तोड़ा पाया गया, देखने के पश्चात पता चला, लेकिन कितना क्षति हुआ है ये अभी मूल्यांकन की जा रही है। नोवेल कोरोना वायरस को लेकर लोग काफी भयभीत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशवासियों से लॉकडाउन का पालन करने और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना वायरस से बचाव का रास्ता है। इसी को लेकर शुक्रवार को सनोला प्रखंड के सभी पीडीएस डीलरों ने राशन लेने पहुंचे लाभुकों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात कही। पैक्स अध्यक्ष गोपाल शाह ने कहा कि कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से बचने एवं अनाज लेने आए कार्डधारियों के लिए हर एक मीटर की दूरी पर गोल सर्कल बनाया गया है, जिसमें खड़े रहने वाले सभी लाभुकों को अनाज दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी कार्डधारियों के हाथों को अच्छे ढंग से सैनिटाइज भी किया जा रहा है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के बाद शुक्रवार को मस्जिदों में नहीं हुई जुमा की सामूहिक नमाज। कोरोना वायरस से बचाव के लिए उलेमाओं ने लोगों से घर में रहने की अपील। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर डॉक्टरों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की कही बात। संक्रमण रोकने के लिए स्वच्छ रहने की अपील। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने की गणगौर पूजन। कोरोना से निजात दिलाने की भगवान से की कामना। पशु चारा नहीं मिलने से पशुपालक हुए परेशान। लॉकडाउन के कारण आवागमन बाधित। और लॉकडाउन के 5वें दिन सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। सिटी डीएसपी ने सब्जी विक्रेताओं के बीच बांटे मास्क। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।